वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन से, जो ऑर्गेनिक में चैप्टर वन है, दैट इज चैप्टर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीज। हेलो एल्केन्स हेलो अरीज में जो कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है, दैट इज 10.11। ओके, तो 10.11 हम स्टार्ट करते हैं। पहला कन्वर्जन है इथेनॉल टू ब्यूट 1-9। कैसे बनाएंगे हम इथेनॉल से ब्यूट 1-9? C2H5OH, इट इज इथेनॉल। ओके, इसको हम थोड़ा सा और ओपन करके लिख लेते हैं, दैट इज CH3CH2OH। नाउ रिएक्ट विद SOCl2। आपने पढ़ा है एल्कोहल से अगर हेलो एल्केन बनाने हो तो बेस्ट मेथड है कि हम उसकी रिएक्शन SOCl2 से कराएं। और जब SOCl2 से कराते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस होते हैं और हमें प्योर हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। तो हम यहीं पर रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से। जब SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये OH रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर Cl आ जाएगा, CH3CH2Cl। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको ब्यूट 1-9 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOH से, और एल्कोहलिक KOH से जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं तो होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे एल्कीन फॉर्म होते हैं, एल्कोहलिक KOH। देन देखिए बीटा एलिमिनेशन होना है, इट मींस कि बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो हटेगा, राइट? तो ये तो हो गया हमारा हेलोजन, और ये है अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन, तो बीटा कौन सा होगा, बीटा ये होगा, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा CH2, राइट? और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, एल्कीन बन गए। ठीक है, अब एल्कीन के बाद हमको ब्यूट 1-9 तक जाना है, आइन तक। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम Br2 से, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये रिएक्शन भी गिवन है NCERT में, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, एल्कीन से जब हमको बनाने होते हैं। तो यहां से रिएक्शन हम कराएंगे तो ये बनेगा CH2Br, CH2Br। लिसन, दिस इज डाइहैलाइड। कौन सा डाइहैलाइड है, एडजेसेंट कार्बन एटम से लगे हुए हेलोजन ग्रुप, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा है, एडजेसेंट से जब लगा होता है तो वो कहलाते हैं विसिनल डाइहैलाइड, और अगर एक ही कार्बन से लगे होते तो वो कहलाते जेम डाइहैलाइड। तो हम यहां बन गया हमारा CH2Br CH2Br। अब हम क्या करेंगे कि हम फिर से एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। जब दोबारा से हम इसे कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो Br है, इस Br के लिए ये वाला होगा बीटा, ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, सी, और ये वाला जो Br है इसके लिए यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, राइट? तो क्या होगा, ये जो बनेगा हमारा, ये बन जाएंगे एल्काइन इथाइन, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaNO2 सोडामाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, 196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सो नाउ रिएक्शन विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर आप भले ही ना लिखें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यहां पर आपका सोडियम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CNa ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम एसिटेनलाइड, एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है और एसिटिलीन में सोडियम ऐड हो गया। ये हमने एसिडिक करेक्टर के लिए 11th हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। अब इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे इसकी इथाइल क्लोराइड से, CH3CH2Cl। जब इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है वो यहां एंड हो जाएगा, तो बनेगा
CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा प्रोडक्ट बना। नाउ लुक एट हियर, इसको हम नेमिंग करते हैं तो क्या बनेगा ये देखिए, यहां से 1 2 3 4 तो क्या बना ये ब्यूट वन आइन फर्स्ट पोजीशन पे लगाए तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट ब्यूट वन आइन। क्या चाहिए था हमको, यही तो चाहिए था ब्यूट वन आइन, राइट। तो ये हमारा कन्वर्जन पूरा हो गया। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल की रिएक्शन हम सल्फोनिक क्लोराइड से कराएंगे, ये बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन बनाने का। इसके बाद हम कराएंगे एल्कोहलिक केओएस से, जो कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इससे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन निकलेगा, यहाँ से सीएल जाएगा और यहाँ से एच जाएगा, तो क्या होगा एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन की रिएक्शन हम कराएंगे Br2 से CCl4 की प्रेजेंस में, जिससे दोनों ही CH2 पर BrBr ऐड हो जाएगा, और जब एडजेसेंट कार्बन एटम पर Br लगे हो तो वो बनते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की हम एल्कोहलिक केओएस से रिएक्शन फिर से कराएंगे तो ये क्या होगा, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इस Br के लिए ये वाला बीटा होगा क्योंकि ये तो अल्फा होगा, इससे अटैच्ड है। इस Br के लिए ये वाला बीटा होगा क्योंकि ये अल्फा है, इससे अटैच्ड है। तो इस तरह से इस Br से ये H निकलेगा, इस Br से ये H निकलेगा और ये बन जाएगा हमारे पास इथाइन एसिटिलीन। फिर हम रिएक्शन कराएंगे सोडामाइड से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विद 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन फॉर्म सोडियम एसिटोनलाइड, ये बन जाएगा। और इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे इसकी इथाइल क्लोराइड से, जिसे Cl और Na यहाँ से हट जाएगा और ये वाला इथाइल ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा और हमें जो चाहिए प्रोडक्ट वो मिल जाएगा, दैट इज ब्यूट वन आइन। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज इथेन टू ब्रोमो एथीन। देखिए इथेन दिस वन CH3 ये हो गई इथेन, और इथेन से हमको बनानी है क्या ब्रोमो इथेन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, जब सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन साइड चेंज आती है, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और Br आ जाएगा, दैट इज CH3 CH2 Br, राइट। ये बना हमारा ब्रोमो इथेन, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ब्रोमो एथीन। तो क्या करेंगे हम, यहां से हम फिर से क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH कराएंगे जिससे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यहां से Br निकलेगा और यहां से H, तो ये आ जाएगी CH2 CH2, क्या बन गई एल्कीन, राइट। इस एल्कीन की हम फिर से रिएक्शन कराएंगे Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, जो हमने अभी पहले भी की थी, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या बनेगा, दोनों पोजीशन पर Br ऐड हो जाएगा, CH2 Br CH2 Br। अब हम क्या कराएंगे, अब हम करा देंगे एल्कोहलिक KOS से, जब एल्कोहलिक KOS से रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KOS, तो एल्कोहलिक KOS से हम सिर्फ एक निकालेंगे। इसके लिए सपोज हमने इसके लिए निकाला, ये Br है और इसके लिए बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास CH2। जब ये बॉन्ड हटता है यहां से तो यहां पे बॉन्ड आ जाता है, तो डबल बॉन्ड बचा क्या CH एंड Br। नाउ लुक इट हियर, क्या नाम होगा इसका, ब्रोमो, और कितने पर है, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है ई, तो ये हो जाएगा ब्रोमो एथीन। ब्रोमो एथीन यही हमारा डिजायर प्रोडक्ट है जो हमको चाहिए था। ओके,
क्या किया हमने, सबसे पहले हमने Br2 से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराते हैं तो साइड चेन से जाता है, यहां से जाएगा ये H और लग जाएगा Br, और फिर हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH, जिसकी वजह से एक Br जाएगा और एक H जाएगा और यहां बन जाएंगे एल्कीन। फिर एल्कीन की रिएक्शन हम कराएंगे Br2 से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन फॉर्म CH2Br, CH2Br, दिस इज बिसिनल डाइहैलाइड, देन रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। अब की बार हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल निकालेंगे, यहां से Br है तो ये अल्फा तो ये बीटा हो गया, इसके लिए यहां से हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा CH2 और CHBr, और जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 ब्रोमो और एथीन, तो हो जाएगा ब्रोमो एथीन, ये हमको चाहिए था। सो दिस कन्वर्जन वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। लेसन प्रोपीन लेते हैं CH3CH CH2, हमको 1 नाइट्रो प्रोपेन यानी 1 पोजीशन पे हमको नाइट्रो ग्रुप लाना है, तो हम डायरेक्ट तो इसकी करा नहीं सकते किसी से, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 पोजीशन पे पहले कोई हैलाइड लाते हैं, तो हम रिएक्शन कराएंगे HBr से और एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल कहेंगे या फिर बेंजोइल परोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे HBr से रिएक्शन। तो क्या होता है कि जो ब्रोमीन जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। डोंट कंफ्यूज, ये हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, ये हाइड्रोजन तो वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है, तो हम इसको देखेंगे, ये दोनों है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन आएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां Br आएगा, तो 1 बनेगा, 1 पोजीशन पर बनेगा जब हम एंटी मार्कोनिक ऑफ करते हैं, और अगर हम मार्कोनिक ऑफ करते हैं तो सेकंड पोजीशन पर आता है हैलोजन एटम। ओके, तो यहां हम कर रहे हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ। ओके, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ करेंगे तो क्या होगा, CH3CH2CH2Br, ये हमारे पास बन गया ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि हमने प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बना लिया। अब हम इसकी क्या कर सकते हैं, सिंपली हम AgNO2 से रिएक्शन करा दें इसकी, AgNO2 और इसमें हम थोड़ा सा इथेनॉल लेंगे, इथेनॉल और वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि ये जो Br है ये यहां से रिप्लेस हो जाएगा किससे, NO2 से, NO2 लग जाएगा और AgBr निकल जाएगा, देन CH3CH2CH2NO2, यही हमको चाहिए था 1 नाइट्रो प्रोपेन। Now next conversion toluene to benzyl alcohol, टोल्वी ले लिया हमने, हमको बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल का मतलब ये है कि इस बेंजीन रिंग पर हमको CH2OH ग्रुप लाना है, लेकिन OH डायरेक्ट तो इससे रिएक्शन कोई हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहां पर रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HB, और जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो साइड से हाइड्रोजन एटम हटेगा यहां से और यहां जाएगा क्लोरीन। CH2Cl, अब क्या करेंगे हम, अब हम इसकी एक्वस KOH से रिएक्शन करा देते हैं, एल्कोहलिक नहीं, एल्कोहलिक अगर होता तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देता, हम कराएंगे एक्वस KOH से,
और जब एक्वस केवल से रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ ही रिप्लेस हो जाएगा और यहां पर क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा और OH ग्रुप आ जाएगा। That is CH2OH. क्या है ये? ये बेंजाइल अल्कोहल है जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। Right? This conversion we have done. Now, next. CH3 Br हमको बनाना है प्रोपेनॉन।
राइट क्या करें हम, यहां पर हम रिएक्शन करा देते हैं केसीएल से। अगर केसीएल से रिएक्शन कराते हैं तो बीआर हटेगा और सीएल आ जाएगा, CH3Cl। अब इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, दैट इज CH3MgBr। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो क्या होगा, CH3 और ये जो C है इस C से ये वाला CH3 जुड़ जाएगा और यहां पर क्या बचा, N MgBr। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आ जाएगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा NMgBr। अब क्या करेंगे हम, इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे। वाटर के दो मॉलिक्यूल लेंगे, दो मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के, तो हम क्या करेंगे देखो, यहां पर इस तरह से लगाएंगे कट। ये मैंने सपोज लगाया तो एक O तो मैंने यहां रख दिया और H2 मैंने यहां रख दिया, राइट। इसके बाद मैंने फिर दूसरा कट यहां से लगाया और मैंने क्या किया, OH यहां रख दिया और H यहां रख दिया, राइट। मैंने दो वाटर मॉलिक्यूल यूज कर लिए। अब हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बना है, जस्ट लुक इट हियर, CH3 और ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास आ गया O, जो ये वाला होगा। फिर क्या बचा हमारे पास, NH3 एंड देन MgBr एंड OH। तो हमारा डिजायर प्रोडक्ट क्या था, प्रोपेनॉन, राइट। तो हमें क्या मिल गया, प्रोपेनॉन मिल गया यहां पर, दिस इज प्रोपेनॉन, राइट। सो दिस वी हैव डन ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। Now next, now listen, butene 1-ene to butene 2-ene बना, हमको 2-ene बनाना है, ओके? तो हम क्या करेंगे, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन करा देंगे HBr से। जब HBr से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अगर हमको मार्कोनी कॉप कराना है तो बीआर वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, ओके, मार्कोनी कॉप। देन CH3 CH BR CH3, ओके, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, ब्यूट 2-ene बनाना है, ब्यूट 2-ene, एक मिनट, ये बन गया, जस्ट वेट, ब्यूट ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया ब्यूट 1-ene, और हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ब्यूट 2-ene CH2 CH BR CH2, जगह आ गया 3, H यहां ऐड हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन करा देंगे एल्कोहलिक QOS से। जब एल्कोहलिक QOS से कराएंगे तो ये भी बीटा है, तो हम यहां से निकाल देंगे हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, ये Br और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा बीटा पोजीशन से एल्कोहलिक QOH। तो हमारा यहां आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, दैट इज ब्यूट 2-ene। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे ब्यूट 1-ene और ब्यूट 1-ene की रिएक्शन कराएंगे हम HBr से अकॉर्डिंग मार्कोनी कॉप, अकॉर्डिंग मार्कोनी कॉप कराएंगे तो Br आएगा यहां पर जहां पर हाइड्रोजन कम है और H आ जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, डोंट कंफ्यूज कि यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ओके। इसके बाद में हम यहां पर जब एड कर देंगे तो Br आ जाएगा, इसके लिए ये भी बीटा पोजिशन और ये भी बीटा पोजिशन है, तो हमको चाहिए क्या, अगर हमको 1 चाहिए होता तो हम यहां से निकाल देते, लेकिन हमको 2 चाहिए तो हम यहां से निकालेंगे H इसके लिए, राइट। ये भी तो इसके लिए बीटा है,
तो यहां से जब बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो ये बन जाएगा ब्यूटूइन, यही हमको चाहिए था। नाउ नेक्स्ट, दिस वी हैव द क्लोरो ब्यूटेन टू एन ऑक्टेन, वन क्लोरो ब्यूटेन CH3 CH2 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 Cl, ये हमारा वन क्लोरो ब्यूटेन हो गया और हमको बनाना है ऑक्टेन। याद करिए, एक नेम रिएक्शन याद आ रही है, हम यहां पर लेंगे ट्वाइस Na सोडियम और दूसरा मॉलिक्यूल यहां लिख देंगे और इस तरह से लिखेंगे Cl इधर करके CH2 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 CH3, और प्रेजेंस इसकी रखेंगे ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ओके। और यहां से हम इसका ये NaCl निकाल देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे CH3 CH2 CH2 CH2, देन दिस CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बना ये? ये बन गया हमारा नॉर्मल ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। तो कौन सी रिएक्शन काम आई यहां पर? यहां पर वुड्स रिएक्शन काम आई, ओके। नाउ दिस वी हैव डन। नेक्स्ट है बेंजीन टू बाइफिनाइल, देखिए हमें बेंजीन से बाइफिनाइल बनानी है। याद करिए ये भी एक नेम रिएक्शन है, बेंजीन है, बेंजीन से बाइफिनाइल बनानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे किसी हैलोजन से, तो हम हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं Br2 और डार्क में FeBr3 हम लेंगे लुईस एसिड की तरह। तो इससे क्या होगा, Br आ जाएगा यहां, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। और इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे फिर से क्या, यहां ले लेंगे हम ट्वाइस Na और यहां से हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे। कौन सी रिएक्शन लग रही है ये? दिस इज फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, यहां से ये निकल जाएगा और हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इन दोनों रिंग को हम जोड़ देंगे। क्या बना? ये बन गई बाइफिनाइल। कौन सी रिएक्शन थी? दिस नेम रिएक्शन फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन, ओके। ये रिएक्शन यहां पे यूज हो गई, बाइफिनाइल बना। तो हमने देखा यहां पर नेम रिएक्शंस भी काम आई है, दिस वी हैव डन। तो हमने 10 कन्वर्जेंस कर लिए और ये हमने एनसीईआरटी का 10.11 क्वेश्चन पूरा कर लिया। That's all. प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और इन दोनों रिंग को हम जोड़ देंगे।
क्या बना, ये बन गई बाई फिनाइल। कौन सी रिएक्शन थी, दिस नेम रिएक्शन फिटिक, फिटिक रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन यहां पे यूज हो गई, बाई फिनाइल बना। तो हमने देखा यहां पर नेम रिएक्शंस भी काम आई है, दिस वी हैव डन। तो हमने 10 कन्वर्जेंस कर लिए और ये हमने एनसीईआरटी का 10.11 क्वेश्चन पूरा कर लिया। दैट्स ऑल।